वेलकम टू अवर चैनल द किचन। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी गुजिया, इंस्टेंट गुजिया। बिना तले हम गुजिया बनाएंगे। हमने तेल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, फिर भी गुजिया बन गई है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया है। यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम देसी कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर भी 100 ग्राम, मतलब हमें कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर बराबर लेना है। और फिलिंग के लिए मैंने लिए है बारीक कटे काजू, बारीक कटे बादाम, खरबूजे के बीज और इलायची पाउडर। अब सबसे पहले हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक बाउल लेंगे, बाउल में बारीक कटे काजू, बादाम, सभी ड्राई फ्रूट्स को लेना है। आप और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी है वह ड्राई फ्रूट्स आप ले लीजिए। अब 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच गुड़। गुड़ को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। अब सभी को मिक्स कर ले। अब ताजा फ्रेश दूध की मलाई से मिश्रण को तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से हमें मलाई डालना है। अभी ज्यादा मलाई ना डालें, जरूरत पड़ने पर हम और मलाई डाल लेंगे। अब इलायची पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। 1 चम्मच मलाई में ही हमारा काम हो गया है और फिलिंग को ज़्यादा गीली नहीं करना है। अब एक बड़े बाउल में कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर का डो बना लेंगे। पहले इन्हें मिक्स करें। अब हम मलाई या दूध डालकर डो बना लेंगे। यदि आपके पास कोकोनट पाउडर दरदरा है तो इसे मिक्सर में 1 नट पीस कर और पतला कर लें। मेरे पास ऑलरेडी बारीक वाला कोकोनट पाउडर था तो मैंने वही यूज़ किया है। मलाई डालकर डो तैयार कर लिया है। अब इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लीजिए। ये आराम से बन जाएगी। और ये देखिए मैंने इसकी बॉल्स बना ली है। अब एक पॉलीथीन पर इस तरह से गुजिया की पूरी तैयार करेंगे। इस तरह से हम पूरियां तैयार कर रहे हैं। ये आसानी से बन जाएगी। इसे हाथों से फैलाएं। अब इसे हाथ पर आराम से निकाल लीजिए और गुजिया के सांचे पर रखिए। और जो हमने फिलिंग बनाई थी उसे 1-2 चम्मच इसके अंदर भरकर सांचे को बंद कर दीजिए। यदि आपकी गुजिया सांचे में चिपक रही है तो थोड़ा सा सांचे में घी लगा लीजिए और इस तरह से एक्स्ट्रा आटा निकाल कर गुजिया तैयार कीजिए। ये देखिए गुजिया कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है और इसे हमें तलना भी नहीं है, बस इसे तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए। अब मैं आपको एक और गुजिया बनाकर दिखाती हूँ। तो हम एक ये बॉल लेंगे और इसकी पूरी बनाएंगे। थोड़ी बड़ी ही बनाएं
एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे। इसे भी हम पहले की तरह सांचे पर रखेंगे और एक दो चम्मच फिलिंग भर देंगे। अब इसे पैक कर दें। अब इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। और ये देखिए दूसरी गुजिया भी बनकर तैयार है। अब ये गुजिया को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो मैंने लिया है फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। एक चुटकी फ्रूट कलर लेंगे, इसे दो बूंद पानी में घोल लेंगे। घोल कर गुजिया पर इस तरह से डॉट बना देंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी गुजिया पर डॉट बना दिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं, और अगर कलर नहीं हो तो मत लीजिए, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और केसर के धागे, पिस्ता और चांदी का वर्क, इन चीज़ों से भी मैंने इसे डेकोरेट किया है। हमने इसमें कहीं पर भी चीनी का यूज़ नहीं किया है, हमने इसमें मिल्क पाउडर यूज़ किया है और मिल्क पाउडर पहले से ही मीठा होता है। अब हमारी गुजिया एकदम तैयार है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और एक और ख़ास बात, इसे हमें तलना नहीं है क्योंकि इसमें हमने आटे का यूज़ नहीं किया है और इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो ये गुजिया हेल्दी भी है। तो इस दिवाली मेरे इस तरीके से आप गुजिया ज़रूर बनाइए। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। देखिए इसकी फिलिंग कितनी बढ़िया दिख रही है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।